दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली अचूक प्रयोग के बारे में, जिसको करने से दुर्भाग्य बहुत ही जल्दी दूर होने लगता है। इसके साथ ही आपको सभी कार्यों में सफलताएं भी मिलने लगती है। काफी बार ऐसा होता है कि जब अच्छा समय आता है तो सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एकदम से बुरा समय आता है, जब भी आता है तो आसानी से बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें अपने दिमाग को शांत करने की, ऐसी स्थिति में दिमाग शांत रह ही नहीं पाता है। कितना भी आप सोचेंगे पॉजिटिव रहने के लिए, वे आप सिर्फ सोच कर ही शांत नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी खुद ही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही दुर्भाग्य होता है, वह भी दूर हो जाता है। काफी बार लोगों की जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ पितृदोष के कारण होती हैं, जिनकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां चलती रहती हैं, या फिर उनका कोई व्यापार होता है तब भी उनका व्यापार सही से नहीं चल पाता है। यह काफी बार पितृदोष के कारण होता है। लेकिन इसके साथ अगर राहु केतु के दोष भी आपकी कुंडली में होते हैं, तो फिर आपको अपने साथी से, किसी पार्टनर से या फिर जीवन साथी से परेशानियां और धोखा मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि राहु केतु ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे व्यक्ति अपना खुद का ही दुश्मन हो जाता है, पागल सा अपने आप को महसूस करने लगता है, कुछ भी करना चाहता है, सही रहना चाहता है, लेकिन फिर भी रह नहीं पाता है। रात को जब सोता है तो लगातार उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी होती रहती है। इन्हीं सब चीजों के चलते दुर्भाग्य भी आपके पीछे लग जाता है, जो किसी भी कार्य में सफलताएं नहीं होने देता है। लेकिन दोस्तों, जो उपाय आज हम आपको बताएंगे, आप उसको बिल्कुल सही से समझकर अच्छी तरह से करते हैं तो निश्चित ही आपका दुर्भाग्य दूर होता है। यह आपको बिल्कुल सुबह के समय करना है, यानी कि जब भी किसी भी समय आप उठते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही चीजें करनी है जो आज हम आपको बताएंगे। इन चीजों को अगर आप करेंगे तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है। इसके साथ ही पितृदोष भी आपका दूर होता है, राहु केतु से भी सफलताएं आपको मिलती हैं। अब दोस्तों, आपको करना है कि जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको कोई भी बर्तन ले लेना है, स्टील का, लोहे का, तांबे का, किसी भी प्रकार का बर्तन आप ले सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक चम्मच चीनी डालनी है। यह प्रयोग आपको लगातार 11 दिन तक करना है। इसमें ध्यान रखें कि जैसा भी बर्तन आपको लेंगे तो आपको ऐसा बर्तन लेना है जिसे आप अच्छी तरह से बंद कर सकें, ढक कर रख सकें। ऐसा बर्तन लेने के बाद आपको उसमें रोज एक चम्मच डालनी है। यह प्रयोग 11 दिन तक करना है। एक दिन के लिए एक ही चम्मच उस बर्तन में डालनी है और इसको अपने सिरहाने रखकर सोना है। जिन लोगों के पास सिरहाने रखने की कोई भी जगह नहीं है, वह इस चीज को अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सोएंगे तो आपको अपने पैर को धोकर सोना है और सुबह उठते ही आपको सबसे पहले बिना किसी से बात किए, बिना कुछ किए, अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों को देखना है और इस बर्तन को उठाकर इसमें जो आपने एक चम्मच चीनी डाली थी, इसको आपने किसी भी चींटियों के पास डाल देना है। चींटियों का बिल सबकी छत पर होता है, या फिर कहीं पेड़ के पास भी आप डाल सकते हैं, और आजकल तो मानसून चल रहा है तो आपको आसानी से चींटियों का बिल कहीं भी मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि यह एक चम्मच जो चीनी आपने रात को डाली थी, इसको सबसे पहले उठते ही चींटियों के बिल के पास डाल देना है, या फिर जहां पर भी आपको बहुत सारी चींटियां दिखती हैं वहां पर भी आप इसे डाल सकते हैं। जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हैं, उसी एक परेशानी के लिए आपको लगातार 11 दिन तक यह करना है। इस प्रयोग को आप 11 दिन बाद दोबारा भी कर सकते हैं। जिस भी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, कोई परेशानी है, आपका कार्य नहीं बन रहा है या कोई भी कार्य अटका हुआ है, तो उसमें आपको निश्चित ही सफलताएं मिलती हैं। जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार आपको करना है। आपको सिर्फ मेटल के बर्तन का ही, किसी भी मेटल के बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसे आप आसानी से बंद कर सकें, जिससे चीनी ना गिरे। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको यह करना है कि चींटियों के बिल के पास डाल देना है। बस इसी प्रकार 11 दिन तक आपको करते रहना है। ऐसा करने से निश्चित ही सफलताएं मिलती हैं और आपको अपने पितरों से सहायता प्राप्त होती है। राहु केतु भी आपके फेवर में आते हैं और आपकी सहायता करते रहते हैं। यह बड़ा ही अचूक प्रयोग है जिसका आप निश्चित ही फायदा उठाएं। आशा करता हूं दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।